लोकसभा और राज्यसभा में राहुल के बयान को लेकर बीजेपी ने किया खूब हंगामा, नहीं चलने दी दोनों सदनों की कार्रवाई। अपनी मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली कूच, किसान प्रतिनिधिमंडल की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात। कर्नाटक के बेलगावी में आज राहुल गांधी करेंगे चुनावी शंखनाद, युवा क्रांति समावेश कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, खेड़ा के खिलाफ सभी FIR को एक साथ करने की मांग की याचिका पर सुनवाई। पंजाब में इंटरनेट सेवाओं पर लगा बैन मंगलवार तक बढ़ाया गया, अमृतपाल सिंह के चाचा हरजीत सिंह के ऊपर पुलिस ने NSA लगाया। BRS नेता के कविता पर आज फिर से होगी पूछताछ, ED के सामने पेश होंगी के कविता। लंदन मामले में बोलने के लिए राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र, स्पीकर ने ठुकराई राहुल गांधी की मांग। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी का बयान, राहुल गांधी को हीरो बनाने की कोशिश कर रही बीजेपी, ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ की बड़ी घोषणा, सरकार बनने पर महंगाई से मिलेगी निजात, बोले सस्ता होगा सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रूपए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की बढ़ सकती है मुश्किलें, चुनाव में गलत हलफनामा देने को लेकर दुबे के खिलाफ लोकसभा स्पीकर से की गई शिकायत। भारत आए जापान के PM फूमियो किशिदा, PM नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में जापानी PM के साथ की द्विपक्षीय बैठक। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 2 दिवसीय रूस की यात्रा, पुतिन के साथ मिलकर युद्ध समाप्त करने का करेंगे प्रयास, शांति दूत की निभाएंगे भूमिका। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की बड़ी मुश्किलें, पाकिस्तान की सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को बताया आतंकवादी। नेपाल में विश्वास मत पर आज मतदान, PM पुष्प कमल दहल प्रचंड ने किया जीत का दावा, पिछली बार प्रतिनिधि सभा के 99% सदस्यों ने दिया था समर्थन। US दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध अभ्यास से तिलमिलाया, उत्तर कोरिया परमाणु हमले को लेकर तैयार रहने के आदेश। साउथ अमेरिकी देश इक्वाडोर में 6.8 तीव्रता का भूकंप, 16 की मौत, 381 लोग घायल, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। नहीं बिकेगी बिस्लरी कंपनी, पिता की विरासत को संभालेंगी बेटी जयंती चौहान, टाटा ग्रुप से नहीं हुआ सौदा। ऑस्ट्रेलिया से वनडे में मिली हार के बाद बल्लेबाजों पर बरसे कप्तान रोहित शर्मा, बोले हार निराशाजनक, क्षमताओं के अनुसार नहीं खेले बल्लेबाज। अमिताभ बच्चन ने शेयर किया अपना हेल्थ अपडेट, कहा काम पर जल्द लौटूंगा, चोट लगने के बाद सांस लेने में हुई थी दिक्कत। इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन फॉलोअर्स वाली पहली महिला बनी सेलेना गोमेज, फैंस को कहा थैंक यू। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत।